Cause I just wanna go, go, go to the deep end. स्वागतम टेक्नो रुहेज में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro Max और Realme X7 के बीच में एक फुल कंपैरिजन टेक्नो रुहेज स्टाइल में। बड़ा डिफिकल्ट कंपैरिजन है दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हमारी किताब में हमने इतनी सारी चीजें लिखी है कि जितना मैंने एग्जाम के पेपर में नहीं लिखा रहेगा। एनीवेज दोस्तों, कंपैरिजन वीडियोस पर आपने बहुत प्यार दिया है, लाइक करिए, शेयर करिए और थोड़ा डरा देते कभी कभी तो ये लोग। सोचो कितना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए वीडियो बनाना, इमेजिन। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, 3 मिलियन पहुंचना है। पता नहीं कितने सालों में पहुंचेंगे लेकिन करके बने रहिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज क्लियर कर देता हूँ, दोनों का जो 6GB रैम 120GB वाला जो वेरियंट है वो 20,000 का है, लेकिन याद रहे जो Redmi Note 10 Pro है वो आपको 17,000 का मिलता है, तो उसमें 3,000 रुपये आपके और बचते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में क्योंकि Redmi Note 10 Pro है नहीं दोस्तों, तो फिलहाल के लिए Redmi Note 10 Pro Max और Realme X7 की ही बात करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इनके डिजाइन और बिल्ड की। Realme X7 दोस्तों आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, जी हाँ, और कर्व्ड एजेस भी है, 183 ग्राम्स और 8.3 mm की थिकनेस पर है। मैं एक चीज यहाँ पर इसमें ऑनेस्टली कहूंगा, जब मैं यूज करता हूँ उस फोन को, काफी टाइम से कर रहा हूँ, इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, काफी लाइट वेट और काफी ज्यादा स्लिम है दोस्तों। और यहाँ पर नेब्यूलर डिजाइन जो है दोस्तों वो अच्छा लगता है, मल्टी कलर इफेक्ट आता है और ऐसा ग्लॉसी है, मैट जैसा भी हल्का फील आता है। बस ये बड़ा सा डेयर टू लीव का यहाँ पर लोगो उन्होंने दे दिया है और फिंगरप्रिंट मैग्नेट है दोस्तों, जी हाँ, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। और कैमरे का जो बम्प है वो भी यहाँ पर नहीं है, हालांकि जो लेंसेस है बस उसका यहाँ पर उन्होंने डिजाइन जो थोड़ा सा बाहर आया, बाकी ओवरऑल दोस्तों इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। Redmi Note 10 Pro Max दोस्तों ग्लास बैक है, यस, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी कंपनी का प्रोटेक्शन है, फिर भी ग्लास है तो थोड़े स्क्रैचेस यहाँ पर नहीं होंगे। पॉलीकार्बोनेट में आपको स्क्रैचेस जल्दी देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्लास का डिसएडवांटेज ये है कि ये गिरने से टूटने का डर होता है जो पॉलीकार्बोनेट में नहीं होता है, तो दोनों के अपने अपने प्रोस और कॉन्स है। ये 8.3 mm की थिकनेस है, सेम Realme X7 जैसा, लेकिन 195 ग्राम्स का, तो होल्ड करने में दोनों में ऑनेस्टली ये थोड़ा सा हैवी फील होता है। और इसका भी कैमरे का बम्प दोस्तों अच्छा खासा है क्योंकि इसमें आपको बड़ा सेंसर मिलता है, जी हाँ, इसमें वैसे विंटेज वाला लेते तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन इसके दूसरे कलर्स मुझे इतना खास नहीं लगे। तो यहां पर मैं एक ही चीज कहूंगा, डिजाइन के अंदर दोस्तों ये बढ़िया दिखता है, फॉर्म फैक्टर इसका बढ़िया, लेकिन बिल्ड ऑब्वियसली Redmi Note 10 Pro Max। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, Realme X7 6.4 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यहां पर 60Hz आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, हाईर रिफ्रेश रेट नहीं है, और सिंगल पंच होल ऊपर लेफ्ट साइड में छोटा सा है, जहां पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी दोस्तों मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी थी और काफी ज्यादा ब्राइट है दोस्तों, 600 निट्स की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है। और मैं YouTube पर गया, 4K HDR कंटेंट भी ये प्ले करता है जो अच्छी बात है, और वाइड बैंड L1 वगैरह का भी आपको यहां पर सपोर्ट मिलता है, और 180Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है, जी हाँ, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। बाकी कौन सा प्रोटेक्शन है डिस्प्ले पर मुझे ये नहीं पता, लेकिन शायद मुझे लगता है गोरिल्ला ग्लास 3 यहां पर हो सकता है, ये ब्रांड ने स्पेसिफिकली कंफर्म नहीं किया था। Redmi Note 10 Pro Max में आपको मिलता है 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट है और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट है, और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फोन के अंदर। वैसे दोस्तों इसकी भी जो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ऑनेस्टली बाजू बाजू में जब मैंने दोनों को फुल ब्राइटनेस पर चेक किया तो Realme X7 भी मुझे काफी ज्यादा ब्राइट दिखा था, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। वैसे इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी छोटा सा नॉच है बीच में और चिन भी बहुत कम है, तो जो चिन है नीचे वो आपको Realme X7 से इसमें ना कम देखने को मिलती है, और इस पर डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी आपको काफी बेटर मिलती है गोरिल्ला ग्लास 5 की। साथ में इसमें भी दोस्तों आप YouTube में 4K HDR वीडियोस देख सकते हैं और वाइड बैंड L1 वगैरह आपको यहां पर भी मिलता है, तो इसकी जो डिस्प्ले दोस्तों वो ऑब्वियसली अगर मैं Realme X7 से कंपेयर करता हूं तो इट इज बेटर। लेकिन एक एडवांटेज ये दोस्तों कि यहां पर उन्होंने AMOLED डिस्प्ले दिया है तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये एक बहुत बड़ी बात है, जबकि यहां पर साइड माउंटेड मिलती है, तो ये भी काफी सारे लोगों की प्रेफरेंस होती है कि भाई अगर एक फोन में ले रहा हूं AMOLED डिस्प्ले वाला तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होनी चाहिए, जो आपको Realme X7 में मिलती है वो आपको Redmi Note 10 Pro Max में नहीं मिलती है। अब परफॉर्मेंस की बात कर ले, Realme X7 में है MediaTek Dimensity 800U, जी हां, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चिपसेट है, 5G का सपोर्ट आपको मिलता है, फ्यूचर रेडी, मतलब 5G रेडी फोन है ये, और 7nm पर है दोस्तों, काफी ज्यादा बैटरी इफिशियंट है, इनफैक्ट जो एंड्रॉइड स्कोर आया था इसका वो बहुत अच्छा था, 3,30,000 के भी ऊपर चला जाता है, और मैंने 750G से भी इसका कंपैरिजन किया था तो काफी क्लोज थे दोस्तों दोनों। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने जब चेक किया तो मीडियम पर ही सेट होता है, ये हाई पर नहीं जा रहा है, जबकि इसकी कैपेबिलिटीज है तो मे बी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये लोग फ्यूचर में यहां पर कर सकते हैं, लेकिन चिपसेट दोस्तों बहुत ही
इंटरेस्टिंग है। Redmi Note 10 Pro Max में Snapdragon 732G है, ये भी बहुत अच्छी चिपसेट है दोस्तों, और यहां पर ये 4G है, ये 5G नहीं है। और इसका जो एंड्रॉइड स्कोर था सरप्राइजिंगली काफी कम था जब मैंने Dimensity 800 यूज इसको कंपेयर किया था। और यहां पर एडवांटेज ये है कि अभी आप जो भी गेम्स खेलते हो वो वेरी हाई पर सेट करके खेल सकते हो, जो मुझे 732G में दिखा था। लेकिन एक और चीज, ये 8nm पर है, ये भी बैटरी एफिशिएंट है, लेकिन Dimensity 800U इससे थोड़ी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं अगर ऑनेस्टली कहूं दोनों की चिपसेट बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है Dimensity 800U जो है, जो 5G वाली जो चिपसेट है, तो आपको थोड़ी बेटर मिलती है अगर हम उसको Snapdragon 732G से कंपेयर करते हैं। अब बैटरी की बात करते हैं, Realme X7 में है 4310 mAh की बैटरी, उन्होंने बॉक्स में 65 वॉट चार्जर दिया लेकिन 50 वॉट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। और ये दोस्तों आपके फोन को 50 मिनट्स के अंदर ना फुल चार्ज कर देगा। मैंने बहुत बार टेस्ट किया इसको फुल चार्ज करके, बहुत ही फास्ट चार्ज होता है दोस्तों। यहां पर दोस्तों जो बैटरी बैकअप है वो आपको एक दिन का पूरा मिल जाता है, मुझे 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। और मतलब मैं पूरा दिन इसको यूज करता हूं तो रात 29% 30% तक बैटरी रिमेन रहती है। मेरा देखो हैवी यूज नहीं है, मैं उस पे आपको बता रहा हूं। ओवरऑल मैं सारे काम करता हूं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह सब देख के और मैं जोड़ के बोल रहा हूं। अगर आप गेमिंग करते तो मे बी वो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी पूरा दिन का आपको बैकअप यहां पर आसानी से मिल जाता है। Redmi Note 10 Pro Max में दोस्तों 5020 mAh की बैटरी है, यस, और बॉक्स में उन्होंने 33W चार्जर दिया है। इसको चार्जिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ी बैटरी इसलिए, और चार्जिंग कैपेसिटी जो है, अडैप्टर जो है वो थोड़ा कम है, तो ये 1 घंटा 20 मिनट लगता है इसको फुल चार्ज करने में। लेकिन यहां पर जो बैटरी बैकअप है दोस्तों वो आपको अच्छी मिलती है, 120 हर्ट्ज पर भी दोस्तों मुझे एक दिन से ज्यादा बैकअप मिला था। अगर आप 60 हर्ट्ज पर ट्राई करेंगे तो आपको और भी बेटर मिलेगा। तो यस दोस्तों यहां पर बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छी मिलेगी, लेकिन यहां पर चार्जिंग आपकी ना बहुत ज्यादा फास्ट होगी। अब कैमरे की बात करते हैं दोस्तों, कैमरे में बड़ा मजा आएगा आपको। Realme X7 64 MP ट्रिपल कैमरा है, F1.8 एपर्चर है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, फुल HD में आपको 60fps मिलता है, EIS वगैरह मिलता है, उसके अलावा नाइट मोड है, स्लो मोशन है, बहुत सारे AI वाले उन्होंने फीचर्स यहां पर दिया है। फिर आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और फिर 2 MP का उन्होंने मैक्रो दिया। वैसे Redmi Note 10 Pro Max में आपको क्वाड कैमरा मिलता है, यहां पर प्राइमरी 108 MP है, जी हां, और यहां पर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, फुल HD 60fps पे आपको मिलता है, EIS वगैरह मिलता है, स्लो मोशन है, पोर्ट्रेट है, नाइट मोड है, और इनफैक्ट यहां पर क्लोन मोड है, डुअल व्यू, और ऐसे बहुत सारे ऐसे फीचर्स उन्होंने दिया है जो Realme X7 के कैमरे में मुझे नहीं दिखाई दिया था। उसके अलावा दोस्तों आपको उसमें 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है और यहां पर 2 का आपको डेप्थ है, लेकिन 5 MP का उन्होंने टेली मैक्रो वाला सेंसर दिया। अब सेल्फी की बात करेंगे, सेल्फी दोनों में सेम है 16 MP की, जी हां, और 16 MP में आपको फुल HD वीडियो, EIS, स्लो मोशन, नाइट मोड और बहुत सारे ऐसे जो फीचर्स है वो दोनों की सेल्फी में आपको यहां पर मिलते हैं। अब कैमरे के सैंपल्स देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 108 MP और 64 MP। देखिए दोस्तों ये वाला जो शॉट है आप देख सकते दोनों में दोस्तों बहुत अच्छे फोटोस निकल कर आए, लेकिन 108 मेगापिक्सल का फायदा ये दोस्तों कि जब आप ज़ूम करते हैं तो यहां पर आपको ज्यादा डिटेल्स मिलती है जब हम उसको 64 मेगापिक्सल से कंपेयर करते हैं। हालांकि 64 मेगापिक्सल में भी डिटेलिंग आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितना 108 मेगापिक्सल में मिल रही है, और ऑलमोस्ट क्लोज फोटो से आप देख सकते हैं ज्यादा डिफरेंस आपको यहां पर नहीं मिलता है सिवाय डिटेलिंग के। उसके अलावा दोस्तों आपको मैं अल्ट्रा वाइड शॉट दिखा रहा हूं दोनों के, पहले Redmi Note 10 Pro Max देख लीजिए, यहां पर ऐसा कोई मेजर कलर शिफ्टिंग मुझे नहीं लगा। इनफैक्ट Realme X7 भी देखेंगे तो यहां पर भी ऐसे नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड में मुझे कोई ज्यादा खास फर्क नजर नहीं आया, तो अच्छे खासे अल्ट्रा वाइड शॉट्स आप दोनों में यहां पर निकाल सकते हैं। मैक्रो भी दिखा देता हूं, यहां पर केस आईने की तरह साफ है, Redmi Note 10 Pro Max बेटर डिटेल मैक्रो शॉट्स प्रोवाइड करता है, जी हां, जबकि Realme X7 में उतने बेटर डिटेल में आप मैक्रो शॉट्स नहीं ले सकते। उसके अलावा बुके शॉट्स की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर बहुत कड़ी टक्कर हुई थी दोनों में दोस्तों, अच्छे खासे बुके शॉट्स ले सकते हैं। जो बैकग्राउंड में जो डायनामिक रेंज था वो कहीं कहीं मुझे Redmi Note 10 Pro Max का बढ़िया लगा, क्योंकि Realme X7 कहीं कहीं बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता था फोटोज को, ये चीज मुझे यहां पर दिखाई दी। बाकी आप ओवरऑल देखेंगे तो मुझे दोनों में ही फोटोज जो निकल कर आए थे बुके शॉट्स वो बहुत अच्छे थे, शार्पनेस भी दोस्तों दोनों में आपको यहां पर काफी अच्छी मिल रही है, हालांकि कहीं कहीं शार्पनेस मुझे ऑनेस्टली Redmi Note 10 Pro Max की जो बेटर लगी थी। सेल्फी की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर मुझे बदलाव नजर आया, Realme X7 में दोस्तों आपको बेटर डायनामिक रेंज मिलते हैं, यस, Redmi Note 10 Pro Max में उतने खास नहीं थे, वहां पर भी अच्छे थे, लेकिन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो Realme X7 मुझे थोड़ा बेटर लगा था, और कुछ कुछ बुके शॉट्स भी मुझे Realme X7 के अच्छे लगे थे। तो यस दोस्तों दिन में
अगर सेल्फी की बात करें तो रियलमी X7 आपको यहाँ पर थोड़ा बेटर मिलता है। साथ में वीडियो की बात करते हैं तो ऑटो फोकसिंग अगर आप देखते हैं तो Redmi Note 10 Pro Max का थोड़ा बेटर था। फर्स्ट टाइम में दोनों सही किए लेकिन सेकंड टाइम रियलमी X7 थोड़ा लेट हो गया और Redmi Note 10 Pro Max ने बेटर फोकस किया था। और स्टेबलाइजेशन की बात करें तो दोनों में आपको अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस मिल जाते हैं। कहीं कहीं Redmi Note 10 Pro Max जो था वो थोड़ा डार्क हो जाता था लेकिन Realme X7 जो था वो काफी ब्राइट वीडियोस लेता था। बाकी ओवरऑल दोस्तों दोनों में आपको अच्छे खासे वीडियोस रियर से मिलते हैं। और सेल्फी वीडियो की बात करूं तो सेल्फी वीडियो भी दोस्तों आपको दोनों में अच्छे मिल जाते हैं स्टेबलाइजेशन है। तो यहां पर नॉर्मली मुझे वैसे कोई खास फर्क नजर नहीं आया था। नाइट की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर थोड़ा गेम चेंज हो गया है। मैंने पहले भी कंप्लेंट किया था कि Redmi Note 10 Pro Max जो इसका नाइट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, उनको थोड़ा काम करने की जरूरत है। Realme X7 नाइट में अच्छे फोटोज लेता है दोस्तों, फिर चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो। तो यस, नाइट में गेम यहां पर कंप्लीटली चेंज हो गया था। मुझे Realme X7 के नाइट शॉट्स थोड़े बेटर लगे थे जब मैंने उसको Redmi Note 10 Pro Max से कंपेयर किया था। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी और भी चीजें जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा। दोनों में वैसे आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है, यस 4G+, जो अच्छी बात है। वैसे Redmi Note 10 Pro Max में डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट है, Realme X7 में नहीं है। यहां पर आपको हाइब्रिड मिलता है, ये चीज मुझे यहां पर ठीक नहीं लगी। Redmi Note 10 Pro Max में 3.5mm जैक है जबकि Realme X7 में नहीं है, ये भी मुझे बहुत बुरा लगा। और यहाँ पर आयर ब्लास्टर वगैरह भी है जबकि Realme X7 में आपको वो नहीं मिलता है। वैसे Redmi Note 10 Pro Max में आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलता है, Realme X7 में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है। देखिए दोस्तों ऑनेस्टली मैं दोनों ऑडियो प्ले किया, मुझे Realme X7 भी बहुत लाउड लगा लेकिन बस ये स्टेरियो है तो थोड़ा ऐसा स्टेरियो फील होता है। बाकी लाउडनेस तो Realme X7 में भी मुझे उतनी ही बेहतरीन लगी थी। सॉफ्टवेयर की बात करें, ऑनेस्टली कहूँ Redmi Note 10 Pro Max का जो MIUI 12 है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हार्डवेयर बहुत अच्छा है लेकिन सारा ब्लेम सॉफ्टवेयर पे जा रहा है, यहाँ पर उनको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर Realme UI 1 है, Android 10 है, डिसअपॉइंट हूँ मैं, लेकिन अगर Android 11 और Realme UI 2 आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑनेस्टली MIUI 12 और Realme UI की बात करूँ तो मुझे पर्सनली Realme UI काफ़ी बढ़िया लगता है। वैसे आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि दोनों में से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपका क्या कहना है। साथ में दोनों ही स्प्लैश प्रूफ है, पानी की छींटे उड़ेंगे कुछ होगा गड़बड़ी होगी तो उतना तक ये झेल लेगा। और दोनों में ही दोस्तों स्क्रीन गार्ड आपको बॉक्स के अंदर से लगा हुआ आता है तो वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रैम स्टोरेज दोस्तों दोनों में अच्छा है, Realme X7 UFS 2.1 है, LPDDR4X है और यहां पर UFS 2.2 है, जी हां थोड़ा बेटर होता है, और LPDDR आपको 4X यहां पर भी मिलता है। तो फाइनली आते हैं वो मोड पर जो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है, कंक्लूजन। और मैं ऑनेस्टली कहूं क्लियर विनर निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों के अपने अपने प्रोस और कॉन्स हैं और अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से आप इन दोनों फोन्स को चूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। Redmi Note 10 Pro Max में बेटर बिल्ट है, 108 मेगापिक्सल कैमरा है, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज आपको एक्सपीरियंस करना है और आपको बड़ी बैटरी चाहिए, डेफिनेटली दिस फोन इज बेस्ट। लेकिन अगर आपको एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला फोन चाहिए, आपको एकदम लाइट वेट फोन चाहिए, याद रहे लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट है मैंने पहले बता दिया था, और आपको 5G रेडी प्रोसेसर चाहिए जहां पर डायमेंसिटी 800U बहुत ही पावरफुल चिपसेट है दोस्तों, साथ में आपको चार्जिंग एकदम फास्ट चाहिए, उसके साथ साथ दोस्तों आपको बेटर सेल्फी कैमरा चाहिए, तो मुझे लगता है, और एक और चीज, हाँ आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी चाहिए एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, तो यस Realme X7 आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फोन यहां पर हो सकता है। तो मैंने आपको आपकी चॉइस के हिसाब से बताया कि दोनों फोन्स में क्या खास है और क्या खास नहीं है। बाकी दोस्तों आप कमेंट बताइए आपकी क्या राय है, बड़ा डिफिकल्ट कंपैरिजन था। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियोस में फ्यूचर में लाता रहूंगा। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।